आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, हिंदी में बोले तो भुगतान शेष। तो क्या है, पढ़ना क्या है आपको इस चैप्टर में, ये पहले पता होना चाहिए। यानी इन्हें कहती हूँ लर्निंग आउटकम्स। मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या पता चल जाएगा, क्या क्या समझ आ जाएगा, आप क्या क्या लर्न कर लोगे। लर्न का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, वो लर्निंग आउटकम होते हैं। हर चैप्टर से पहले हमें लर्निंग आउटकम पता होना चाहिए। पढ़ना क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग भुगतान शेष का। मैं यहाँ पर जीओपी वर्ड यूज कर रही हूँ, आप लोग अपने मीडियम के हिसाब से लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले भुगतान शेष में और इंग्लिश मीडियम वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेकेंड हमें पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स, मीनिंग का पता है ना, और हिंदी मीडियम वाले ये चीज उसमें कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी, यानी घटक किसके, भुगतान शेष के घटक लिखते जाए आप, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो घटक पढ़ने हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, यानी कि स्ट्रक्चर को बोलूं तो ढांचा, भुगतान शेष का ढांचा। ये आपको टॉपिक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते सबसे पहले स्टार्ट करते मीनिंग से कि मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं मीनिंग यानी कि अर्थ, भुगतान शेष का अर्थ क्या है। तो अब सुनिएगा सर, मीनिंग लिखा तो आपकी किताबों में है, मैं थोड़ा समझा रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का अकाउंट होता है, जिस अकाउंट में खाता वही खाता, ठीक है, जिस अकाउंट में ये लिखा, दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, समझ लो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ऐसे आप समझ सकते हो। और भुगतान शेष एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक 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 तरह का वही खाता अकाउंट है जिसमें ये लिखा जाता है कि एक साल में मेरे देश ने फॉरेन कंट्रीज को कितना पैसा देना है या कितना पैसा फॉरेन कंट्रीज से मिलना है, कितना दिया कितना मिला, एक साल में मेरे देश ने फॉरेन कंट्रीज से कितना अमाउंट रिसीव किया, कितना अमाउंट पे किया, ये भुगतान शेष में लिखा जाता है, एक साल का हिसाब किताब कुछ इस तरह से। मान लीजिए मेरा देश है इंडिया, ईयर है 2020-21, ऐसे ही होता है ना, 2020 मतलब अप्रैल 1 2020 से शुरू होगा, मार्च 31 2021 पे खत्म, ये हमारा ईयर होगा। अब इस साल में मेरा फॉरेन कंट्रीज के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन कंट्रीज मतलब शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व के साथ क्या आदान प्रदान है, उसका लेन देन अमाउंट में लिखा जाता है भुगतान शेष में। जैसे इंडिया ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेची होंगे, वस्तु और सेवाएं बेची होंगी फॉरेन कंट्रीज को, तो जब वस्तु और सेवाएं बेची तो पैसा मिला, यानी कि प्राप्तियां हुई, रिसीट्स। अब कुछ खरीदा है अगर तो बेचा जाएगा, पैसा जाएगा, यानी पेमेंट्स means भुगतान। ये पूरा अकाउंट लिखने का तरीका कि भैया मैंने इस साल 2020, मैंने मतलब इंडिया, मेरी इकोनॉमी, मेरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, कि मेरी अर्थव्यवस्था ने, इकोनॉमी ने इस साल लेट 100 रुपए का पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, और रिसीव कितना करना है 80 रुपीज, मिलेगा कितना 80 और देना कितना है 100, बताऊंगी कि किन कारणों से मिलता है और किन कारणों से देना होता है, पर मिलेगा 80 रिसीव टू 80 की और देना कितना है 100, तो 20 रुपीज ज्यादा देने हैं, 20 रुपीज आपको ज्यादा देने हैं,
इसे कहते हैं डेफिसिट, इसे कहते हैं डेफिसिट यानी घाटा, दैट इज कॉल्ड घाटा या डेफिसिट। जैसे आपने बजट में पढ़ा था ना, ऐसे ही ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है, मान लीजिए आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी कि शेष विश्व से मिलने हैं लेट 80 रुपए, जैसा कि यहाँ लिखा है, लेकिन आपने देने हैं जो कुछ भी आपने खरीदा आपने देने हैं सिर्फ 60 रुपीज, जिसका मतलब मिलने ज्यादा है ना 20, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है, कोइंसिडेंटली बाय चांस। आपको मिलने भी इस साल 80 रुपीज है और आपने देने भी 80 रुपीज है, जीरो बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मीनिंग, तो भुगतान शेष एक स्टेटमेंट है, और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या है, सुनिएगा, एक वर्ष के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देनों का, मौद्रिक मतलब मनी से रिलेटेड लेन देनों का लेखा विवरण, that means it is a accounting statement which record all the financial monetary transactions of between my country and rest of the world, meri country ka rest of the world ke sath. This important point kya, ek saal ka len den hota hai, 1 year ka, kaun sa len den hai, financial maudrik, theek hai, aur mere desh ka rest of the world ke sath, uska accounting statement lekha vivaran, wo kehlata hai balance of payment, then it's an account. Is that okay? This is called balance of payment. Meaning आप अपनी बुक में से लर्न करेंगे। ये तो था मीनिंग। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स, घटक कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है, एक खाता होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक। इस अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता, दो अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता, करंट एंड कैपिटल। अब आगे इस चालू खाते में कुछ तीन चीजें आती है, चालू खाते में आगे तीन पार्ट्स आते हैं, और वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आयात निर्यात, और तीसरा कंपोनेंट है यूनिलेटरल ट्रांसफर, हस्तांतरण भुगतान, या भुगतान वर्ड यूज ना करके ट्रांजेक्शन्स वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, करंट ट्रांसफर वर्ड है, चालू हस्तांतरण वर्ड यूज कर सकते हैं, यूनिलेटरल या करंट ट्रांसफर या चालू हस्तांतरण। अभी पूंजी खाते का भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसको समझे कि ये क्या चीज है। अब हम बात करते हैं तीन कंपोनेंट्स जो हमने बोले करंट अकाउंट के। मैंने बोला सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, और तीसरा ट्रांसफर भुगतान, चालू हस्तांतरण या ट्रांसफर पेमेंट। तो तीनों को एक बार पढ़ते हैं कि है क्या चीज। तो देखिए सबसे पहला पढ़ रहे करंट अकाउंट,
और करंट अकाउंट में चालू खाते में हम पढ़ रहे हैं वस्तुओं का आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मेरे देश ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व इंपॉर्टेंट है मेरे देश ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब वस्तु और सेवाएं बेची। यहां से वस्तु की बात करी गुड्स की बात करी हूं इन इंग्लिश में मर्चेंडाइज भी कहते हैं मर्चेंडाइज ठीक है या वस्तु कह दीजिए। अब जब वस्तुएं बेची तो पैसा मिलेगा ठीक है और अगर वस्तुएं खरीदी गुड्स परचेज की यानी इंपोर्ट की आयात किया तो पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए जरा यहां पर माय इकोनॉमी मेरी अर्थव्यवस्था अपने अपने मीडियम के हिसाब से लिखेगा ठीक है। मेरी अर्थव्यवस्था ने शेष विश्व को आर ओ डब्ल्यू मतलब शेष विश्व रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक अपने मीडियम के हिसाब से लिखेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वस्तुएं बेची गुड्स क्या क्या एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो रिसीव होगा आपका अमाउंट रिसीट आएगी ठीक और अगर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर यहां चलो यही रखते ज्यादा स्पेस नहीं है तो इसलिए यहां दोबारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वस्तुएं खरीदी गुड्स इंपोर्ट यानी आयात। तो जब इंपोर्ट की तो क्या होगा पैसा जाएगा पेमेंट है ना पैसा जाएगा। अब यहां पर खास चीज है बैलेंस बैलेंस कितना पैसा आ रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने गुड्स बेची तो मुझे मिले 100 रुपए मुझे मतलब मेरी कंट्री ठीक है एक साल की बात हो रही है। और अगर मैंने गुड्स क्या की इंपोर्ट क्या किया आयात ये निर्यात किया था आयात किया तो सपोज मुझे पेमेंट करनी है 120 रुपए की। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं यहां नजर पड़ेगा जो करने जा रही हूं इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड टी आर ए टी ई बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको क्या है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं व्यापार शेष व्यापार शेष और फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गुड्स का सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी निर्यात माइनस इसका वस्तु। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर देखूं अपने इस एग्जांपल को तो पेमेंट कितनी की है मैंने निर्यात कितना था मेरा एक्सपोर्ट 100 और मैंने खरीदा कितने का है 120 तो देखिए माइनस 20 हो गया माइनस 20 नेगेटिव हो गया इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अनफेवरेबल यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक भुगतान शेष हिंदी में लिखिएगा ऋणात्मक जो मैं बात कर रही हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की या व्यापार शेष की ये तीन तरीके का हो सकता है। याद रखना ये वस्तुओं से रिलेटेड है सिर्फ गुड्स से इसमें सर्विसेज नहीं आएंगी ठीक है सिर्फ मैं गुड्स बेच रही हूं जैसे कि इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज को सपोज मशीनें बेची गुड्स
ठीक है, इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज को मसाले बेचे, दालें बेची, इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स बेच रहे हैं हम, ठीक, ऐसे गुड्स खरीद रहे हैं। सपोज फॉरेन कंट्रीज से आपने ट्रेन के डिब्बे खरीदे, मेट्रो के डिब्बे खरीदे आपने जापान से, आपने सपोज किसी दूसरी कंट्री से कोविड की वैक्सीन खरीदी, तो इसका मतलब आप वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो सर वस्तुएं बेचना, वस्तुएं खरीदना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वही शामिल होता है इसमें व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरीके का हो सकता है, एक फेवरेबल, धनात्मक, कब, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हुई हो। आप देखो मैंने एक्स और एम लिख दिया, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट, यानी कि जब निर्यात ज्यादा हो आयात से, तो ज्यादा पैसे आएंगे ना आपके पास, आप ज्यादा का सामान बेच रहे हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। ये अनफेवरेबल भी हो सकता है, और वो कब होता है, जब एक्सपोर्ट कम हो इम्पोर्ट से, नेगेटिव हो जाएगा। आयात क्या होगा, कम अगर निर्यात से, या आपके एमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये जीरो भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, इसको बैलेंस यानी कि संतुलन। और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे संतुलन में कब होगा, कि जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या हो जाए, बराबर, आना भी 10 रुपए जाना भी 10 रुपए, यानी आयात इज इक्वल टू निर्यात। ये तीन केसेस हो सकते हैं, व्यापार शेष आपको आप अपने देश का इस तरह से दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं बता दूं इंडिया का व्यापार शेष आज भी अनफेवरेबल है, ऋणात्मक है, क्योंकि हम सामान बेचते कम रुपए का है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और खरीदते ज्यादा का है। उसके पीछे भी रीजन है, हमारा देश एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ज्यादा वस्तुएं खरीदनी पड़ती है अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, बेचने के लिए उतना सामान नहीं बना पा रहे। हमने बात की, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं कॉम्पोनेंट्स, घटक पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, हमने स्टार्ट किया चलो करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट यानी चालू खाते में हमने कहा तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरा है सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो अब पढ़ते इसका सेकंड पार्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम करंट अकाउंट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स यानी अदृश्य मदों का शेष। अब ये अदृश्य मद किसे कहते हैं, अदृश्य मद कहते हैं सेवाओं सर्विसेज, जैसे भारत ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बैंकिंग की सेवाएं दी, हमारे बैंकों ने उनके देश के लोगों के अकाउंट खोले, भारत ने दूसरे देश के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, ट्रीटमेंट किया, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, भारत के टीचर्स ने दूसरे देश के सपोज नेपाल के बच्चों को पढ़ाया, सेवाएं दी ना, वस्तुएं नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे, दिखाई नहीं देती ना सर्विसेज, इसलिए ने इनविजिबल के। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ महसूस हो रहा है ना, यू कैन ओनली फील, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, सर्विसेज सिर्फ फील होती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो आप मैं सेवाएं ही दे रही हूँ, एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो भारत ने, भारत के इंजीनियर्स ने फॉरेन कंट्री की कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, फॉरेन कंपनीज के लिए काम किया, सबने सेवाएं दी, ऐसे ही सब चीजें सेवाएं भारत भी ले सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे बाहर के टीचर्स हमको हमारे कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, बाहर के डॉक्टर्स हमारा इलाज कर सकते हैं, बाहर के वकील जो है वो हमारे केसेस के में हमारी हेल्प कर सकते हैं, बाहर के इंजीनियर हमारे लिए फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, करते हैं ऐसा, है ना, ये तो ग्लोबलाइजेशन है, आप
पढ़ेंगे, पढ़ा है आपने इंडियन इकोनॉमी में कि ग्लोबलाइजेशन है, लेन देन तो चलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है, सर्विसेज। और सर्विसेज को इनविजिबल यानी अदृश्य मध्य कहा जाता है। तो इनका डिफरेंस देखो आप कि कितना एक्सपोर्ट किया सर्विस, कितनी इम्पोर्ट की एक साल के अंदर, और वो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम यानी कि अदृश्य मदों का शीर्ष। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने जो मेरी इकॉनमी है उसने शेष विश्व को सर्विसेज बेची, सेवाएं दी, और सपोज सेवाएं देने से 200 रुपया मिले, गुड सर्विसेज दी बेची। अब सेवाएं ले भी सकते हैं, देखो पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन सी सेवाएं ली है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एजुकेशन की, मेडिकल की, ये सब सेवाएं, इंजीनियरिंग की हम लेते और देते हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। और जब सेवाएं ली तो उनकी पेमेंट भी की, देख रहे हो, सपोज पेमेंट की 150 रुपए की, तो बैलेंस कितना है 50, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आपको मिला कितना, हेलो देखो 200, और आपने पे कितना किया 150। अब फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम का यानी अदृश्य मदों का शेष का फॉर्मूला है सेवाओं का निर्यात माइनस सेवाओं का आयात, वही निर्यात माइनस आयात ही है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और ये भी तीन हो सकती है, वो आप लिखेंगे अभी अपने रजिस्टर पर, ये भी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक और बैलेंस संतुलन में हो सकती है। कब होंगी, फॉर्मूला खुद बनाएंगे, जैसे मैंने गुड्स का बनाया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा, बस इस बार वस्तुएं ना लिखकर सेवाएं लिखें, गुड्स ना लिखकर सर्विस लिखें। ये है सेकेंड आइटम चालू खाते का। इसी में एक चीज और आती है, आप कभी जब आप अभी नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे देश से फॉरेन कंट्री में हमने कुछ निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, और वहां हमें इनकम मिल रही है उस निवेश से, वो भी इसमें आता है, यानी कि ये इसके साथ साथ इसी में आप अलग कलर के पेन से आप लिख लीजिएगा, प्लस में आपकी कारक आय या फैक्टर इनकम। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मेरे देश ने, मेरे देश के लोगों ने अमेरिका में एक बिल्डिंग खरीद रखी है, यहाँ से मेरे देश के लोगों ने अमेरिका में एक बिल्डिंग खरीद रखी है और उसको वही अमेरिकन को रेंट पे दिया, और उससे सपोज 1,00,000 रुपए पर मंथ रेंट आता है, तो वो रेंट भी इसका पार्ट होगा, सेवाओं का निर्यात इनकम मिल रही है ना। ऐसा ही हो सकता है कि फॉरेन कंट्री के, सपोज कनाडा के कुछ लोगों ने इंडिया की, इंडिया में किसी बॉम्बे के अंदर लेटिक बिल्डिंग खरीद रखी है और यहाँ किराए पे चढ़ाया हुआ इसको, और बिल्डिंग का किराया उनका जो किराएदार है वो उनको कनाडा में भेज देता है हर महीने। मान लीजिए वो 80,000 रुपये किराया जाता है, हमें मिला कितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1,00,000, और हमारा गया कितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 80,000, तो जो मिला वो इसमें आ जाएगा और जो गया वो आया, ठीक है, या आप अलग से भी लिख सकते हैं कारक आय, फैक्टर इनकम, इस तरह की इनकम फैक्टर इनकम। ऐसे ही कौन कौन सी होती है कारक आय, अगर आप याद हो, नहीं याद तो मैं बताती हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं हिंदी में, देखिए किराया या लगान वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्रॉफिट यानी लाभ, अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ डिविडेंड वर्ड भी यूज होता है बेटा, डिविडेंड यानी लाभांश। अगर मान लीजिए मेरे देश के लोगों ने दूसरे देश के शेयर्स खरीदे और उस पर उन्हें लाभांश डिविडेंड मिल रहा है या दिया जा रहा है, तो भी इसके अंदर आएगा। और लास्ट वन क्या, वेजेस,
वेजेस का मतलब होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक सैलरी कह सकते हो आप उसको, है ना, आम भाषा में। मजदूरी वर्ड यूज होता है, पर मजदूरी से बेटर वर्ड है कर्मचारियों का पारिश्रमिक या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इसको एड ऑन कर लीजिए अपने इसी में अलग कलर के पेन से। चलिए तीसरा, इसका करंट अकाउंट का तीसरा जो कॉम्पोनेंट है, घटक है, वो है हस्तांतरण भुगतान या चालू हस्तांतरण भी कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अभी यूनिलेटरल क्यों है? यूनिलेटरल ट्रांसफर, पहले तो इसका नाम ट्रांसफर किए। अगर किसी पर्सन को बिना काम किए कोई इनकम मिलती है किसी सेकंड पार्टी से, तो उसे ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण। एग्जाम्पल सुनिएगा, आप सपोज स्कूल में फर्स्ट टाइम और आपको स्कूल से स्कॉलरशिप मिली, क्या आपने स्कूल के लिए कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी की, कोई उत्पादन क्रिया की, आपने स्कूल को कुछ दिया? नहीं, आपने अपने लिए पढ़ाई की थी, लेकिन स्कूल आपको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है। आपने कुछ नहीं किया, उत्पादन क्रिया में कोई योगदान नहीं दिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई आपने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ इनकम मिल रही है, कुछ प्राप्ति हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण। आप किसी बेगर को चैरिटी करते, डोनेशन देते, कोई भीख मांग रहा है या कुछ, भीख मांगना वर्ड इज वेरी बैड वर्ड, सपोज कोई नीडी पर्सन है, ठीक है, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया पर आपको लगा इसको मेरी जरूरत है और आपने उसे 500 रुपए दे दिए, क्या उसने आपके लिए कुछ किया? लेकिन आपने उसके लिए कुछ किया, तो उसको जो इनकम मिली वो हस्तांतरण है, ट्रांसफर इनकम है। देश के बीच में भी ऐसा होता है, कोविड चल रहा है हमारे देश में, हमें मदद की जरूरत है। अब इस समय देखिए केरला में 30,000 केसेस हो गए, बढ़ गए केसेस। सपोज श्रीलंका की गवर्नमेंट केरला के राज्य के लिए 5,00,000 रुपए भिजवाती है, 5,00,000 वैक्सीन भिजवाती है या पीपी किट भिजवाती है, मास्क भिजवाती है, क्या हमने उनको कुछ दिया? उन्होंने मदद किए तरीके से, हमें कुछ पेमेंट की या कुछ सामान भिजवाया। ऐसे हम भी भिजवाते हैं, हमने नेपाल में भिजवाया, भूटान में भिजवाया, बांग्लादेश में भिजवाया, तो ये मदद चलती है ह्यूमैनिटी के नेचर पे, इंसानियत के नाते, इसे हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। और ये भी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए जरा क्या है चालू हस्तांतरण या यूनिलेटरल ट्रांसफर। आर्थिक सहायता अगर आपने की है किसी की दूसरे देशों में, हमारे देश से दूसरे देश, आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प हमारे देश ने की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाढ़ आ गई हमने हेल्प की उनकी, भूकंप आ गया किसी दूसरे देश में हमने हेल्प की, ऐसे हमें मिली, WHO ने हमें दिया, यूनिसेफ बच्चों की संस्था है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने बच्चों की भलाई के लिए कुछ पैसा यहाँ खर्च किया, तो मदद है ना जो वापस नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका जितना मिला यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जितना रिसीव्ड हुआ माइनस जितना पेमेंट, ऐसे। तो ये तीन चीजें, तीन कौन सी, एक गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरा सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव माइनस पेड, तो तीनों के बैलेंस निकालते हैं तब आप बनता है करंट अकाउंट, तब बनता है करंट अकाउंट। तो आज हमने करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट, मैंने पहले बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, चालू और पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फिर मैं करंट अकाउंट के तीनों घटक बताया आपको, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष, हिंदी मीडियम वाले जरूर लिखे साथ साथ, व्यापार शेष प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम, अदृश्य मदों का शेष और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर।
चालू हस्तांतरण का शीर्ष बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, तीनों को आप दिखाओगे तब आएगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते का शेष। और इसके साथ ही आज की क्लास यहां वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द कैपिटल अकाउंट क्या है, पूंजीगत खाता क्या है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है।